सहारनपुर के स्वाट टीम ने बाइक लेकर भाग रहे बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश और सिपाही हुए घायल। दरअसल सहारनपुर स्वाट टीम प्रभारी संजय पांडे ने अपनी पूरी टीम और थाना नानोता पुलिस की संयुक्त टीम के साथ लूट की बड़ी घटना को अंजाम देकर भाग रहे टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। दरअसल सहारनपुर स्वाट टीम प्रभारी संजय पांडे ने अपनी पूरी टीम और थाना नानोता पुलिस की संयुक्त टीम के साथ लूट की बड़ी घटना को अंजाम देकर भाग रहे बदमाश को धर दबोचा। वहीं उक्त बदमाश ने पुलिस की टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को पैर में गोली लग गई, वहीं एक सिपाही को भी गोली लगी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया और लूटी हुई बाइक सहित हथियार भी बरामद किए। पेश है सहारनपुर के संवाददाता राहुल पटेल की खास रिपोर्ट। जी सर, एनकाउंटर पूरा क्या मामला है? ये बड़गांव क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल लूट की घटना हुई थी और हमारी नौता की टीम और स्वाट टीम उस लूट की घटना को वर्कआउट करने के लिए प्रयासरत थे। एक अभियुक्त जो मोटरसाइकिल लूट करके भाग रहा था, उससे पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में उसको हल्की चोट आई है, जिसका इलाज कराया जा रहा है। उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। अभियुक्त का नाम आरिफ है, विक्रम लोहारी, PS थाना भवन, जनपद शामली का रहने वाला है। ये जानकारी में आया है कि इसके ऊपर कई अभियोग पंजीकृत है और ये गैंगस्टर और मर्डर के मामले में वांछित भी है। विशेष जानकारी आसपास के जनपदों से की जा रही है। साथी भी था साथ में जो फरार हो गए? हाँ, एक साथी इसकी है, इसका है, जिसकी तलाश की जा रही है। हमारी टीम लगातार वहीं घटनास्थल और घटनास्थल के आसपास कॉम्बिंग कर रही है। कोई पुलिसकर्मी भी घायल? हाँ, मामले चोट है। कल कितनी देर तक लगभग मुठभेड़ हुई है? कितने राउंड फायरिंग की थी, किस तरह से? करीब करीब घटना के तत्काल बाद जैसे हमें सूचना मिली तो हमारी टीम वहाँ पहले से चेकिंग कर रही थी। ये शाम का समय था और उस समय लगातार चेकिंग कार्रवाई की जाती है। करीब 1.5 घंटे बाद जो है जानकारी हो गई